Hey guys, it's me Hansu और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ Samsung Galaxy A52 डिवाइस की टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 5। आप लोगों को आज की वीडियो में मैं कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको आप लोग अगर अपने Samsung Galaxy A52 डिवाइस के अंदर यूज करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा मजा आने वाला है। आप लोगों को ये जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ना काफी ज्यादा हेल्प करेंगी आप लोगों की डेली यूसेज में, आप लोगों के डिवाइस को यहाँ पे हेल्प कर देंगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना हूँ, बहुत से यूजर्स यहाँ पे पूछते हैं कि वो लोग अपने डिवाइस के अंदर एप्लीकेशंस को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस को हाइड करना काफी इजी है इस डिवाइस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है 1UI 3.1। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे करना है लॉन्ग प्रेस करके आप लोग यहाँ पे जाओगे सेटिंग्स के अंदर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाइड एप्स का। लाइक यहाँ पे मैं अगर कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहूँ तो मैं सिंपली इस पे यहाँ पे टैप करके डन कर दूंगा, देन ये जो एप्लीकेशन है यहाँ से हाइड हो जाएगी। और इसको अगर आप लोगों को वापस से इसको मतलब ओपन करना है तो आप लोगों को यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, हाइड एप्स के अंदर जाना है, देन यहाँ से उसको अनटिक करना है और यहाँ पे डन करना है और यहाँ पे बैक आ जाना है। बस आप लोगों का वो जो ऐप है वो अनहाइड हो जाएगा, है ना। काफी ज्यादा अच्छा फीचर, इसको भी आप लोग आके यूज करके देख सकते हो। इसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे एक और काफी ज्यादा अच्छी सेटिंग देखने को मिल जाती है। आप लोगों को ना यहाँ पे ये जो डिवाइस है ये सपोर्ट करता है Alt+Z Live फीचर को। अब Alt+Z Live ये जो फीचर है ना इसको आप लोग कह सकते हो सिक्योर फोल्डर। इसको इनेबल करने के लिए आप लोगों को ना यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें करनी नहीं है, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिक्योर फोल्डर। सिक्योर फोल्डर के अंदर जाके आप लोगों को सब चीजें सेटअप कर देनी है एंड आप लोग इसको यहाँ पे एग्री करोगे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो आप लोग इसको यहाँ पे आके यूज कर सकते हो। तो काफी ज्यादा अच्छा फीचर है, इसको भी आप लोग आके चेकआउट कर सकते हो। बात गई आप लोगों को यहाँ पे एक और काफी ज्यादा अच्छी सेटिंग देखने को मिल जाती है। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, देन आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो आप लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और आप लोगों को यहाँ पे जाना है प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी के अंदर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिसीव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, इसको आप लोगों को जरूर से डिसेबल करना है। आप लोगों का यहाँ पे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों को हल्के फुल्के एड्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे जो पॉपअप होते हैं यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर्स एंड यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं सैमसंग के वो भेजते रहते हैं, तो आप लोग उनको यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो यहाँ पे रिसीव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को ऑफ करके। यहाँ पे इसने बोला भी है इनेबल दिस ऑप्शन टू रिसीव न्यूज स्पेशल ऑफर्स एंड रिकमेंडेड एप्स अबाउट योर प्रोडक्ट्स, पुश नोटिफिकेशन आएंगे, तो इसको आप लोग डिसेबल करके रखो, आप लोगों के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो बंद रहेंगे। तो है ना काफी अच्छा फीचर, इसको भी आप लोग अपने डिवाइस के अंदर यूज करके जरूर से देख लो।